एल जी स्मार्ट इन्वर्टर 8 kg टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। ये टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन प्रोग्राम वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है। पावर ऑन करते ही ये जो डिले का जो टाइम है ये देखिए अपने आप से ज़्यादा हो रहा है। फिर 18 आके फिर 3 आवर में जाके फिर देखिए 4-5 ऐसे ऑटोमेटिक ये ज़्यादा हो रहा है। दूसरा सब जो प्रोग्राम बटन वगैरह जो है ये दबाने से भी कुछ काम नहीं कर रहा है। देखिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग डिस्प्ले पीसीबी चेंज करके देखेंगे। ये डिस्प्ले पीसीबी का जो डिले टाइम का जो बटन है शायद ये अंदर से शॉर्ट होगा, इसीलिए अपने आप से ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम लोग अभी डिस्प्ले पीसीबी चेंज करेंगे। देखिए डिस्प्ले पीसीबी चेंज करने के लिए दो साइड में दो स्क्रू होगा। स्क्रू ड्राइवर से लूज करके फिर नोज प्लस से निकाल के अभी हम लोग इसको खोलेंगे। ये टीना का जो कवर है इसका स्क्रू खोल के हम लोग एक बार टेस्ट कर लेंगे डिस्प्ले पीसीबी को, मशीन को ऐसे चेक कर लेंगे। आसानी से स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं आप लोग। देखिए ये जो जैग है ये डिस्प्ले पीसीबी का जैग ऊपर आया है, मेन पीसीबी में लगा है। इसका भी पुराना वाला का जैक खोल के हम लोग ऐसे बाहर में इसको, ये नया डिस्प्ले पीसीबी हम लोग लेके आए हैं, बाहर में हम लोग एक बार इसको टेस्ट करके देख लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा। पहले टेस्ट कर लेते हैं। देखिए अभी नया पीसीबी, नया डिस्प्ले पीसीबी देखिए एकदम ठीक ठाक जैसे ऑन किया जैसे रहना चाहिए ऐसे ही है। तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग अभी पूरा इसको खोल के नया पीसीबी डाल देंगे। अभी इसका नया वाला जैक को निकल देंगे। मेन पीसीबी और डिस्प्ले पीसीबी का साथ में 4 स्क्रू होता है। ऐसे निकल के हम लोग अभी ये देखिए ये डिस्प्ले और मेन पीसीबी का बीच में से इसको लॉक को अनलॉक करेंगे। ये लॉक एकदम आसानी से निकल जाता है। एक स्क्रूड्राइवर से बीच में थोड़ा घुसा करके एक से थोड़ा ऊपर तरफ लेने से ये खोल जाता है। देखिए अभी डिस्प्ले किसी भी अलग हो गया। तो हम लोग अभी नया डालेंगे, नया से हम लोग एक बार टेस्ट भी कर लिए, अभी इसको परमानेंट लगा देंगे। ये देखिए बीच में जो लॉक होता है थोड़ा थोड़ा हाथ से दबाने से लॉक हो जाता है। नया डिस्प्ले का जैक लगा दिया। अभी देखिए इसको सही तरह से बैठा करके स्क्रूब लगा देंगे। ये देखिए अभी लग चुका है। तो इसका अभी ऊपर का टीना का जो कवर है ये कवर को डाल के फिर ये टीना का कवर का साथ में एक स्क्रू है। ये स्क्रू लगाने के बाद पीसीबी को पूरा पैनल को हम लोग बैठा देंगे। देखिए अभी पैनल को डालेंगे हम लोग। ये थोड़ा
बायां साइड में देखिए, ये जो है बायां साइड में निकाल के इसको बैठाना पड़ता है। तो बैठाने के बाद ये बायां साइड से हम लोग थोड़ा धक्का मारेंगे तो इसका जगह में बैठ जाएंगे। अभी दो साइड में दो स्क्रू है, वो स्क्रू लगा के हम लोग टेस्ट करेंगे। मशीन को ऑन करके ये पावर बटन को ऑन करेंगे। देखिए अभी डिस्प्ले पीछे भी नया डाला है तो अभी सही ठीक ठाक काम कर रहा है। ये नॉर्मल जैसा होना चाहिए सही है। ये अभी प्रोग्राम देखिए अभी ठीक ठाक काम कर रहा है तो ये सेट ओके हो गया। आप लोग भी ऐसा प्रॉब्लम होने से आप लोग भी नया पीसीबी डाल के डिस्प्ले पीसीबी नया चेंज करके सेट ओके हो जाएगा।